ये फ्री वाईफाई की सहूलत है यहाँ पे, एक आवर एक घंटे के लिए आपको अपना पासपोर्ट यहाँ स्कैन करने पड़ेगा इस साइड पे, तो आपको एयरपोर्ट की वाईफाई की सहूलत मिल जाएगी एक घंटे के लिए बिल्कुल फ्री। इस साइड पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ेगा। देखें लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं ये कर रहे हैं अपने पासपोर्ट को स्कैन वाईफाई के लिए। ये सहूलत मौजूद है, फ्री वाईफाई। ट्रेवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड मिला है, कोई मैगजीन है यहाँ का उसको। बहुत ही आलीशान खूबसूरत साफ सुथरा एयरपोर्ट है ये इस्तांबुल। तुर्की कौम ने बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट बनाया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। ये जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाए हुए हैं, यहाँ लोग अपना फ्लाइट का टाइम गेट वगैरह देखते हैं कि कौन से गेट पे इनकी फ्लाइट लगेगी। लोग नोट करके उस गेट तक जाते हैं, फ्लाइट नंबर है, डिस्टेंशन है, कहाँ जाना है, गेट नंबर है, स्टेटस बताते हैं कि गो टू गेट, ये सब ये बताया जाता है। मैं भी अपना लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखने के लिए आया हूँ, न्यू वर्क न्यू जर्सी का। अभी चूँकि मेरा टाइम नहीं आया, इस वक्त जो है 15:05 यानी 5:05 तक की शाम के फ्लाइट का टाइम आ चुका है। मेरा चूँकि 6 के बाद का है तो थोड़ी देर में मेरा भी गेट आ जाएगा कि मुझे किस गेट पे जाना है। मेरी मिसेस वहाँ रेस्ट कर रही है सोफे पे, तो मैंने कहा कि चले थोड़ा सा वॉकिंग टूर हो जाए इस्तांबुल का एयरपोर्ट का। जगह जगह वाईफाई फ्री सहूलत मौजूद है यहाँ पे। इतने बड़े बड़े ड्यूटी फ्री शॉप मौजूद हैं। हर तरफ हर तरह की इंस्ट्रक्शन मौजूद है। एक्सपो हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी एक्सपो उसकी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, प्रॉपर्टी एक्सपो का। इंसान को जब मौका मिले तो ज़रूर यहाँ आए इस्तांबुल का एयरपोर्ट देखे, दिल बाग बाग हो जाएगा उसका। लोग अपने फ्लाइट का टाइम वगैरह देख रहे हैं, सब मौजूद है यहाँ पे।
रेस्टोरेंट इतने सारे मौजूद हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट एरिया ऊपर भी है बहुत बड़ा। ये देखिए तुर्किश डिलाइट बकलावा जो है यहाँ की खास मिठाई है बकलावा। यहाँ देखिए पिज़्ज़ा और हर तरह की चिकन और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखिए खाने की पेस्ट्री देखिए कितनी, पिज़्ज़ा देखिए। मैं अपने फ्री जो वाईफाई के लिए मैं अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे ये कवर जो है ना फ्री मिल जाएगा वाईफाई का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे। देखिए मैं वाईफाई ये मैं स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पे अपना पासपोर्ट, ये मैंने स्कैन कर दिया है और ये 1 आवर फ्री का ये लिख दिया हुआ है। अब मुझे ये प्रिंट देगा एक, मुझे ये प्रिंट का कोड मैं अपने इसमें डाल दूँगा ये वाला कोड, तो ये फिर मेरा फ्री हो जाएगा सारा वाईफाई का। ये मेरा रसीद है वो और ये मेरा स्कैन हो गया है। तो अब मैं अपना एक कोड इसमें डाल दूंगा ये जो मुझे मिला है, फिर मैं 1 आवर तक ये फ्री वाईफाई यूज़ करता रहूँगा यहाँ पे। हर्मेस, ये हर्मेस जो है ब्रांड है कोटी का, वेनेटा ब्रांड के। यहाँ देखिए पर्स वगैरह, और कोटी का ब्रांड के ज्वेलरी के है सब। ये सेंट लॉरेंट यहाँ पे, ये इसके भी पर्स है देखिए, सेंट लॉरेंट की पर्स यहाँ पे। और ये प्राडा के पर्स हैं ख्वातीन के। ये पोर्शन जो है ये पर्स का है सारा, फेंडी ब्रांड देखें इसके पर्स है यहाँ पे। गोसी के नाम से ये पर्स है। लॉर्ड पियानो, सेलिन, कितने खूबसूरत पर्स हैं। यकीनन ये ब्रांड इतने बड़े बड़े नाम हैं तो इनकी प्राइजेस भी हजारों लाखों में होगी। डियोर के नाम से भी हर जगह मस्जिद एरिया भी है। लोइस बल्गारी,
म्यूजियम जाके विजिट करते हैं, देखते हैं। एक कार्ड ले लिया है, एक कार्ड में सामान रखेंगे हम अपना। मैं एक बार फिर ये देख लूँ कि हमारा लग गया नहीं, किसी किस गेट पे हमारा न्यू जर्सी वाला प्लेन लगा है, ताकि हम उस गेट पे चले जाएं। क्योंकि इस वक्त 20:55 तक लग गया है, यानी 8:20:55 अब तो आ गया होगा हमारा, क्योंकि हमारा तो 7:30 का था ना टाइम, तो इसमें अभी आता है तो मैं बताता हूँ अपनी मिसेज को कि हमारा आ गया है, मैं देख लूँ कौन सा गेट है। मैं थोड़ा ऑफ करता हूँ और दूसरी जगह मैं आपको ले चलता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान यहाँ पे, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल, एप्पल के और सारे इलेक्ट्रॉनिक के देखिए सामान लेटेस्ट। ये लैपटॉप 30% ऑफ भी यहाँ पे देखे हैं, बेहतरीन चीज़ें, ये डिस्काउंट में सब है। मोबाइल देखे हैं, तरह तरह के मोबाइल हैं। यहाँ से भी मैं आपको ये दिखाता हूँ, सिटिंग एरिया देखें कितना बेहतरीन, बहुत लोग रिलैक्स हैं और जितनी भी तारीफ की जाए तुर्की गवर्नमेंट की कम है। ये एयरपोर्ट नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बाजार है। चारों तरफ ब्रांड और लोग ही लोग नजर आते हैं।
अभी हम एयरपोर्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट म्यूजियम की तरफ ऊपर जा रहे हैं। लगेज भी है और ऊपर एम्बेसडर ऑफिस भी है, तो म्यूजियम के लिए ऊपर जा रहा हूँ। ये वाटर की फैसिलिटीज है यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारा। ये पेट टॉयलेट भी है यहाँ पे, जो कुत्ते बिल्ली होती है उसका अलग से टॉयलेट है सारा। बहुत सारे रास्ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बना हुआ है ये। दूसरे रास्ते से मेरे ख्याल में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी जगहें हैं। मैं अभी स्कैन कर लेता हूँ क्यूआर कोड से, जो ना पूरे एयरपोर्ट को कि कौन सी जगह कहाँ कहाँ है। ताकि मैं उस मैप से फिर सही जगह पे पहुँच सकूँ। आठ से 11 फरवरी तक एक्सपो है, लगेगी यहाँ पे इस्तांबुल में, उसका ये ऐड है। स्टोर इतने बड़े बड़े हैं कि सारी चीजें अवेलेबल हैं। लार्ज स्टोर है, एलसी वाल्की की ये कोई ब्रांड है, एलसी वाल्की की।
तरफ चलते हैं, फूड एरिया की तरफ। यूनी थ्री रुपीज। ऊपर फूड एरिया है, फूड एरिया की तरफ चलते हैं। ये बच्चों की खिलौने का देखें, ये टाइटैनिक का पूरा जहाज है, बच्चों के लिए कितने अच्छे, तरह तरह के खिलौने मौजूद है बच्चों के। टाइटैनिक पूरा जहाज है, ये देखें गाड़ियां, एक से एक गाड़ियां, ये कार देखें बच्चों के लिए, हेलीकॉप्टर। क्या जबरदस्त चीज है, ये ताजमहल, ब्यूटीफुल। दूसरा स्टोर देखिए, खिलौने से भरा हुआ है, सब खिलौने। जो भी डस्ट होती है फौरन उठा लिया जाता है। यहाँ देखें लेडीज के कॉस्मेटिक्स का सारा सामान यहाँ पे मौजूद है, लेडीज के, बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री शॉप है, लेडीज की तमाम कॉस्मेटिक्स की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है इस ड्यूटी फ्री शॉप पे। जितने भी दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड हैं उन सब की कॉस्मेटिक्स यहाँ पर है। हर तरह की चीज़ें देखें, ये सब मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जितने ब्रांड्स हैं उन सब की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, सारी चीज़ें, परफ्यूम का सेक्शन है ये। ये देखें, ये परफ्यूम आप फ्री लगा सकते हैं, आप सैम्पलिंग के लिए फ्री। ये सारे परफ्यूम फ्री ट्राई कर सकते हैं आप। परफ्यूम के जितने ब्रांड्स हैं, गोसी, हरमेस, टॉम फोर्ड, सबके मकसद के यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, हर एक के ब्रांड्स।
सबको ट्राई भी कर सकते हैं आप, हर एक को, हर एक के देखे मौजूद है, ट्राई कर सकते हैं आप हर एक। हर एक के साथ एक एक है, आप अपना फ्री ट्राई कर सकते हैं सारी चीज़ें। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हूँ मैं, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है माशाल्लाह। देखें एक घंटे के बाद अभी हमारी रवानगी है न्यू जर्सी के लिए, तो हम यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं सारी जगह विज़िट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है ये। माशाल्लाह इतने सारे स्टोर हैं और हर स्टोर में सब चीज़ें मौजूद हैं, लेडीज़ की, बच्चों की, बड़ों की, सब की। और आदमी मकसद है कि विज़िट कर कर के थक जाए यहाँ पर, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये। फहमीदा भी वहाँ वेट कर रही हैं, एक घंटे के बाद हमारी रवानगी है यहाँ से। इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे। हालांकि यहाँ नेट फ्री है, मैंने नेट कर भी दिया है मगर पता नहीं कुछ सही कनेक्ट नहीं हो रहा। बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरा, हज़ारों की तादाद में यहाँ पैसेंजर आते हैं। के ना D13 गेट पे लगा है और वहाँ लिख रहा है कि 1 आवर डिले है, वो लिख रहा है। तो हम D13 गेट तक तो चले जाते हैं। यहाँ अच्छा है, इन्होंने दिया हुआ है कि D तक जाने के लिए वॉकिंग 7 से 15 मिनट लगेगी। D1 से 7 तक जाएंगे तो वॉक का टाइम 7 से 15 मिनट में पहुंचेंगे। C पे ये दिया हुआ है तो हम D की तरफ जा रहे हैं। हमारा जहाज वहाँ लग गया है, ये सारा सामान हैंड कैरी था वो, और कुछ यहाँ हमारी मिसेज ने परचेज किया है, कॉफ़ी, चॉकलेट और दूसरे गिफ्ट आइटम आ रही है हमारी मिसेज के साथ। हम D13 तक जा रहे हैं। D1 से 17 यानी 17 गेट तक पहुंचने के लिए 6 से 14 मिनट, ये अच्छा इन्होंने दिया है कि वॉकिंग टाइम भी इन्होंने दे दिया कि इतने मिनट में आप पहुंचेंगे। चलो फिर इंशाल्लाह आप उसे D13 पे मुलाकात करते हैं। बर्गर किंग पे आए हुए हम लोग, अभी रवानगी में 1 घंटा है। D13 पे हमारा जहाज लग गया है, हमारे मिसेस फहमीदा जो है ये चिकन बर्गर लेने जा रही हैं और फ्राइड।
हमारा हैंड कैरी का सामान है, इसको बोल से हैंड कैरी भी ज्यादा हो गया है। सामने आपको एरोप्लेन नजर आ रहे होंगे बाहर से, देखिए बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे तमाम चीज़ों की पेमेंट जो यूरो में लेते हैं। अब देखिए ये मैं रसीद आपको दिखा रहा हूँ, ये रसीद में ये बना है बिल, फाइव एटी एट यूरो का बना है, और देख लें 588 यूरो का बिल बना है, और इसमें ये दो बर्गर, दो चिप्स और ये दो कोल्ड ड्रिंक, ये 588 यूरो में है ये चीज़ें सारी। देखिए यानी कितनी महंगाई है, कितना कॉस्टली है यहाँ पर, ये 588 मकसद यूरो का है ये सामान जो आप देख रहे हैं। ये मेरे पास रसीद है इसी, तो ये से भी दो कोल्ड ड्रिंक, दो बर्गर, ये बर्गर है दो, ये इतना महंगा है यहाँ पर इस्तंबुल एयरपोर्ट पे, 588 यूरो के दो बर्गर, दो कोल्ड ड्रिंक और दो चिप्स के पैकेट। अभी रात का क्या टाइम हो रहा है? एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत बना दिया, बहुत जबरदस्त सुंदर सी।